आयशा शेख है। हम लोग हर साल मोदी जी के कटआउट में राखी बांधते हैं। जैसे कि रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्यौहार है, तो जैसे भाई बहन की रक्षा करता है, हम मोदी जी से यही मतलब उम्मीद करते हैं कि उन्हें राखी बांधकर कि वो देश की सारी महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखें। मेरा नाम नसीरा खातून है। आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कटआउट को राखी बांधी है, क्या कर रहे हैं? वो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, वो इतने दिन से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। वो मतलब हम उनको इसलिए राखी बांधते कि वो अच्छे से यानी हमारा ध्यान रख रहे हैं, तो वो आगे चल के भी यानी मतलब प्रधान ही रहे। अच्छा, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या कामनाएं कही? स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। हमने उनके लिए दुआएं मांगी है कि वो आगे चल के भी नरेंद्र मोदी ही रहे। जी, मैं सुनीता गुटी। सुनीता, आपने आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कटआउट को राखी बांधी है, क्या कहेंगे? जी, हम इसीलिए राखी बांध रहे हैं। राखी का फेस्टिवल रक्षाबंधन जिसको कहा जाता है, इसमें भाई बहन सब एक दूसरे की रक्षा करते हैं, तो हम इस कटआउट को बांध के यही बोलना चाहते हैं कि ये हमारी रक्षा करे, नरेंद्र मोदी जी हमारी रक्षा करें, हम बहनों की सुरक्षा की रक्षा करें, बस इसी कारण हम यहाँ पे आए हैं। आपने आपसी भाईचारे का मैसेज भी दिया है। जी, हिंदू मुस्लिम समुदाय, दोनों समुदाय की बहनों ने मिलकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को राखियाँ बांधी है। जी, हम जैसे कम्युनिटी सब साथ में रहे, ऑल इंडिया सब एक साथ रहे, इसी संदेश को देते हुए हम सब यहाँ पे राखी बांधने आए हैं। जी, खास करके शिवलिंग वाली राखी बांधी, अपने सोने की रखें। जी, क्या कहेंगे? एक्चुअली ये जो महीना चल रहा है, श्रावण महीने का महीना चल रहा है, तो इसी कारण श्रावण महीने में हम सब उपवास रखते हैं। इसी कारण हम ये दिखाना चाहते हैं कि श्रावण महीने में हम इसी कारण ये राखी बांध रहे हैं, इनके श्रावण महीने के इस नेक को देते हुए।